हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आप देख रहे हो सिस्टी की टिवारिया चैनल और आपके सामने है यहाँ पर हमारा लंटाना का प्लांट। ये मिनी वैरायटी है और देखिए इस टाइम इसका सीज़न नहीं है, उसके बाद भी इस पर फ्लावरिंग हो रही है। येलो कलर का फ्लावर है। मेरे पास लगभग 5 सालों से एक दूसरा प्लांट है, उस पर 3 डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स आते हैं। ठीक है, तो होप करती हूँ आप सब मेरे चैनल पर ज़रूर जाते होंगे और चैनल को देखते होंगे। तो अगर कोई नया फैमिली मेम्बर हमारा जुड़ा है सब्सक्राइबर, तो वेलकम माय चैनल। और आप देखिए बहुत सारी बर्ड यहाँ पर बनी हुई है हमारे रोज़ की। ठीक है, तो ये देखो बोगनविलिया पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती हुई, और गार्डन में अभी तक तो सब ठीक ठाक चल रहा है। गिलहरी माता जो है वो हमारे मारीगोल्ड के पीछे पड़ी हुई है, इसको बिल्कुल भी नहीं लगने दे रही है। ठीक है, काफ़ी सारे प्लांट मैंने आपको दिखाए थे, किसी को भी नहीं लगने दे रही है। तो आज लगभग 3 दिन हो चुके हैं गार्डन में मैंने वाटरिंग नहीं की है। ठीक है, तो आज हम वाटरिंग करेंगे। और देखो टोमेटो का प्लांट भी लटका हुआ है क्योंकि इसको पानी की ज़रूरत है। तो जब आपको ऐसा लगे ना बिल्कुल मिट्टी सूख गई है, तभी वाटरिंग किया करो, क्योंकि विंटर जो है अब चल रहा है और रोज़ रोज़ आपको वाटरिंग करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और एक और अपडेट आपको दिखाती हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको विंटर के सीड ग्रो करना बताया था ना, तो ये देखो आपको ये टोकरी याद होगी। ठीक है ना, ये देखो एक छोटा सा नन्ना सा दिख रहा है ना, ये देखो धूप बहुत तेज़ हो रही है, छाए में रख लेते हैं इसको। ये देखो छोटू सा, ठीक है, ये तो ग्रो हो गया है। और इसकी दूसरी जो थी टोकरी वो मैं आपको दिखाती हूँ, इसको यहीं रख लेते हैं, बाद में इसको सेट कर दूँगी मैं। ये देखो दूसरी टोकरी आपको याद होगी, टोकरी क्या है, ये एक ट्रे है। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था किस चीज़ की ट्रे है ये, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अगर मैं लिंक डालना भूल जाऊँ तो प्लीज़ चैनल पर एक बार विजिट ज़रूर कर लीजिए। किस किस चीज़ के हमने सीड लगाए थे ना, उनका नाम भी मैंने इस तरफ लिखा हुआ है, और अभी एक भी सीड इसमें ग्रो नहीं हुआ है। मेथी बहुत अच्छी तरीके से ग्रो होती हुई गार्डन में, और गिलहरी इसके पीछे नहा धो के पड़ी हुई है, इसको भी खाने लगी है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसा लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाना सिखाऊंगी जो पोषक तत्वों से भरा पड़ा है, बहुत सारे न्यूट्रिशन उसके अंदर हैं। इतने सारे न्यूट्रिशन हैं कि आपको इस विंटर कुछ भी बाहर से खरीद कर ला कर उसमें आपके किसी भी प्लांट में डालने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला हमने यहाँ पर ना ये एरिया नेट से कवर कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर मैंने कुछ नए प्लांट जो है वो रखे हैं रोज़ के सारे, और गिलहरी इनके बर्ड की तरफ को बहुत भाग रही थी, इसीलिए मैंने नेट लगा कर इसको कवर कर दिया है। तो हम बात कर रहे थे लिक्विड फर्टिलाइज़र की, जो कि बहुत ही अच्छा है, पोषक तत्वों से भरपूर है, और आप उसको घर की वेस्ट चीज़ों से ही बना सकते हो। सारे के सारे पोषक तत्व उसके अंदर है, उसमें नेचुरल ऑयल भी मिलेगा आपको, कैल्शियम भी मिलेगा, फास्फोरस भी मिलेगा, मैग्नीशियम भी मिलेगा, मतलब A to Z जो भी आपके प्लांट को नीड है जिस चीज़ की, वो सब कुछ आपको उस एक लिक्विड फर्टिलाइज़र पे मिलने वाली है। और सारा का सारा जो है वो ऑर्गेनिक है, कुछ भी हमने केमिकल वाला नहीं डाला है। और बेस्ट पार्ट ये है कि सब कुछ हमारे घर से ही निकला है, हमारे किचन से ही निकला है, और जो भी निकला है वो पोषक तत्वों से बहुत ज़्यादा भरपूर है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करो, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कॉमेंट कर दिया कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर आप भी यूज़ कीजिए। और ज़रा सा भी आपको फ़र्क लगे ना कि हमने जो आपको बताया है उससे आपके प्लांट की ग्रोथ बूस्ट हो गई है, बहुत अच्छी तरीके से आपके प्लांट बढ़ रहे हैं, आपको फ्रूटिंग दे रहे हैं, आपको फ्लावरिंग दे रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल पर आकर एक बार अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए उस लिक्विड फर्टिलाइज़र को बनाना देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस प्लेट में सब कुछ भर कर रखा है। ये देखिए गोभी के बहुत सारे पार्ट हैं, और यहाँ पर मैंने मूँगफली भी ले रखी है, और इसमें नीचे की तरफ सूखे पत्ते भी हैं, गार्डन के जो पत्ते होते हैं, ग्रीन लीव्स भी हैं, वो सब कुछ डालकर मैंने इसमें पहले से रेडी करके रखा था, और ये आपको दिखाने के लिए अब डाल दिया। 5 से 4 दिन के बाद मिलते हैं, रेडी हो जाएगा ये। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 5th डे हो चुके हैं, और इसमें मैंने आपको पहले भी दिखाया था क्या क्या है, फिर से दिखा देती हूँ। मूँगफली के छिलके हैं इसमें, और हमारी गोभी है, गोभी में बहुत सारे विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ होता है गोभी में। और हमारा जो इसमें ड्राई लीव्स भी मैंने डाली है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, विटामिन्स, B12, B6, B9, ये सब इसमें भर भर के इतने सारे हैं। पोटासियम से रिच है ये हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र, इतने सारे पोषक तत्व हैं इसमें कि मैं आपको क्या बताऊं। ठीक है, आप जिस जिस चीज़ का मैंने यहाँ पर नाम लिया है, जैसे मैंने गीली लीव्स मतलब कि हरे पत्ते डाले हैं, सूखे पत्ते डाले हैं, यहाँ पर मैंने कैबेज डाली है, मतलब गोभी, मूंगफली, इन सारी चीज़ों का जिन जिन का मैं नाम आपको बता रही हूँ, गूगल पे सर्च करके देख लो क्या क्या है, मतलब गुणों का खजाना है ये सारी चीज़ें। तो हमने इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना लिया है, 4 से 5 दिन के बाद आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो इसको छान के यूज़ करना है, देखो कितना गाढ़ा सा बेस्ट क्वालिटी का लिक्विड फर्टिलाइज़र यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है।
तो देखिए यहाँ पर मैंने अपने बकेट में पानी भर लिया है और हाफ मग के करीब मैंने इसमें अपना फर्टिलाइज़र जो है वो ऐड कर दिया है और ऐड कर देती हूँ। देखिए छान के यूज़ करोगे ना तो बेस्ट रहेगा। तो बाल्टी भर गई है, इसको उठा लेते हैं ऊपर की तरफ। ये देखो दिख रहा है ना, तो इसको साइड में कर देते हैं। इसी तरह से छान छान के मैं अपने लिक्विड फर्टिलाइज़र को सभी प्लांट में डालूंगी, सीजनल प्लांट में डालूंगी, परमानेंट प्लांट पे ये सब खाद अभी यूज़ मत करना आप। इसमें से बहुत अच्छी सी स्मेल आ रही है और ये सब यूज़ करने के बाद नीचे की तरफ ये जो हमारा पार्ट बचेगा आप चाहो तो दोबारा से इसमें थोड़ा सा डाल देना अब पानी, और बहुत ज़रा सा, बिल्कुल ज़रा सा आप इसमें एंजाइम डाल सकते हो या फिर ज़रा सा गुड़ डाल देना, ठीक है। और लगभग इसके बाद आपको 7 दिन के बाद दोबारा से आप इसको यूज़ कर सकते हो, बट मैं रेकमेंड करूँगी कि आप इसको लगभग 10 दिन के बाद यूज़ करना, ठीक है। और अगर आप ये इसका दोबारा से लिक्विड फर्टिलाइज़र नहीं बनाना चाहते तो आप इसको कंपोस्टिंग में डाल दो, ठीक है। तो चलिए मैं जल्दी से इसका फर्टिलाइज़र जो अभी आपको हमने बनाकर दिखाया है उसको अपने प्लांट में डाल देती हूँ। यहाँ देखिए रोज़ का प्लांट, ये देखिए। और चलिए अपने टोमेटो के सीडलिंग दिखाती हूँ जो बहुत अच्छी तरीके से आज वेट कर रहे हैं पानी का, क्योंकि ये बिल्कुल सूख चुके हैं, लटक के हुए हैं और कह रहे हैं कि हमें पानी दे दो, ठीक है। ये भी मेरा रोज़ का प्लांट है, इस तरह से आपको वाटरिंग कर देनी है। पौध वगैरह जो आपने लगा रखे हैं ना उसमें भी आप डाल सकते हो, जिस भी परमानेंट प्लांट में आपके फ्लावरिंग हो रही है आप उसमें डाल सकते हो। मेरे पपाया का प्लांट है, इसमें मैंने डाल दिया। और देखिए जहाँ पर मेथी वगैरह शीट वगैरह ग्रो कर रखे ना आज वो सब सूखे हुए हैं, क्योंकि पानी जो है मैंने 2 से 3 दिन हो गए नहीं डाला है, ठीक है। इस तरह से आप डाल दीजिए और ये देखिए, ठीक है। यहाँ पर हमारा मैरीगोल्ड है, इस पर भी डाल देते हैं। यहाँ पर एक टोमेटो का प्लांट है, उसमें भी डाल देते हैं। तो सभी जगह वाटरिंग कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, सभी जगह वाटरिंग मैंने कर दी है बहुत अच्छी तरीके से। तो आप भी इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का जो फ़ायदा है वो उठाइए और अपने प्लांट को फ्री में सारी चीज़ों से या फिर सारे के सारे न्यूट्रिशन एक ही लिक्विड फर्टिलाइज़र से दे दीजिए, ठीक है। होप करती हूँ आज का वीडियो आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साइड में जो घंटी का बेल आइकन आता है ऑल पे प्रेस करना, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और आप हमारा वीडियो देख सकोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।